नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूँ और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ज्ञान माफी मामले में एक और नई खबर निकल के आ रही है। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर ज्ञान माफी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया है, जिसके बाद 1 फरवरी को ज्ञान माफी परिसर में आखिरकार 31 साल के बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सुबह सुबह काफी संख्या में लोग पूजा के लिए ज्ञान माफी के व्यास तहखाने में पहुंच गए। इस मामले में DM ने कहा कि जिला कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया गया है। बता दें कि कोर्ट का आदेश आने के बाद रातों रात तहखाने से बैरिकेडिंग हटा दी गई थी। इसके बाद तड़के ही पूजा के लिए लोग जुटने लगे थे। पूजा की शुरुआत कड़े प्रशासनिक सुरक्षा घेरे में शुरू हुई थी। भारी फोर्स की मौजूदगी में श्रद्धालु व्यास तहखाने की ओर जाने लगे थे और पूजा अर्चना के लिए बेताब थे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा करवाई जा रही थी। विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर त्रिविड ने पूजा कराई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आधी रात के बाद प्रशासनिक अमला ज्ञान माफी परिसर की तरफ पहुंचने लगा। पूरे इलाके में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए थे। इसके बाद अगले कुछ घंटे के अंदर ही विधि विधान से पूजा संपन्न कराई जाने लगी। वहाँ मौजूद हिंदू पक्ष के लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों ने कहा कि 31 साल के बाद ही सही, लेकिन उन्हें न्याय मिल गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।